लिटरेचर। ओके मैम। इंग्लिश लिटरेचर द ग्रेटी गिल्टन। ठीक। अजय अनन्या रीड करोगी? अनन्या अजय क्राइड आई वॉन्ट टू गो विद दी। नो हिज सिस्टर ज्योति क्राइड इक्वली लाउडली। अजय वॉज 8 years ओल्ड। ही वॉज नॉइसली फेमस एज अ ग्रेटी गिल्टन। बी एबल टू रेस्ट इट ही वुड ईट मोर देन एनी वन एल्स। ईटिंग इज ओके बट ही वुड ईट ग्रेटली। He would little care who was seeing him or was with him. So he was often the subject of scorn, but he little understood it. The greedy golden man, Ajay, a greedy boy. वो मतलब कि खाली only eating नहीं करता था, पर ईटिंग के बाद लालचपन भी उसका बहुत ज्यादा था, जो कि 8 साल का बच्चा था और उसकी सिस्टर को अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था। वो नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसके साथ जाए, पर उस जो अजय है वो जिद करता है उसके साथ जाने के लिए, तो वो अपनी मम्मा से परमिशन लेती है जाने के लिए। So he was often the subject of the scorn, but the title to understood. वो से डांटती है पर उसे समझाना भी बहुत जरूरी होता है। टुडे द ज्योति वॉज इनवाइटेड टू हर फ्रेंड्स नैनाज बर्थडे एंड हजा वॉन्टेड टू गो विद हर। उसकी फ्रेंड नैना का बर्थडे होता है और उसका भाई अजय उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है। लिसनिंग टू देयर शाउट मदर केम। यस व्हाट इज द मैटर। अब उन दोनों की आवाजें सुन करके उसकी मम्मी आ जाती है और बोलती है क्या मैटर है। इज ग्रेटी गिल्टन वॉन्ट टू गो विद मी। वो बोलती है ये लालची गिल्टन मेरे साथ जाना चाहता है। आई वॉन्ट नॉट टेक हिम विद हिम सेड द ज्योति ज्योति फॉर्मली। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे साथ जाए। ही इज योर यंग ब्रदर यू शुड टेक हिम अलोन। एडवाइस मत ये तुम्हारा छोटा भाई है तुम्हें इसे ले जाना चाहिए। आई वॉन्ट नॉट शाउटेड ज्योति एज ही वेंट शाउट अ स्टैम्पिंग हर फीट। वो ऐसे तरह से चिल्ला चिल्ला करके बोलती है ज्योति केम बैक रिसेंटली। आई कैन नॉट टेक हिम विद मी ही विल एम्बर्स मी बाय हिज बिहेवियर। मुझे इसे नहीं ले जाना है क्योंकि इसके वजह से मुझे एम्बेरसमेंट फील होते हैं। एदर यू टेक हिम और यू टू डू नॉट गो। अगर तुम इसे नहीं ले जाओगे तो तुम भी नहीं जाओगे सैड मदर इन अ स्टर्न वॉइस। मदर ने भी टोक करके बोला व्हाट इफ ही बिहेव्स इन अ फनी वेज। पर ये हर जगह जाता है तो बिहेव करता है फनी वेव्स। मदर प्रेड एट अजय सेड हर्स आईज एंड सेड लिसन अजय इफ यू डू नॉट बिहेव यू गेट अ थ्रेसिंग राइट। अगर तुमने ढंग से उसको आंखें दिखाते हुए अपने भाई को कहती है अगर तुमने ढंग से बिहेव नहीं किया तो तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी। आई कैन टेक हिम ओनली इफ He agreed to my condition. मैं इसे तभी ले जाऊंगी जब ये मेरी कंडीशन को वो करेगा। Intercorrupted Jyoti, he will not, Ajay did not say a word. He hesitates to say a word. वो कहती है, वो कहती है, he will not touch anything, no biscuit or no cake or whatever without my permission. ये मेरी बिना परमिशन के कुछ भी नहीं लेगा। Ajay did not say a word. He hesitated to say a word. वो hesitation में कहता है कि ये एक भी word नहीं बोलेगा यहाँ पे और ना खाएगा। Promise shouted Jyoti at Ajay. Ajay चिल्लाते हुए Jyoti Ajay से कहती but Ajay mumbled no.
If and he puts promise. Jyoti was aggressive, but if you do not permit me at all. Ajay was still hesitation. अब अजय को hesitation होती है कि ये मुझे कुछ भी करने नहीं देना चाहती है. I will said Jyoti. Suppose you are not near me or taking to someone, then Ajay wanted to confirm that he did not go without goodies at any cost. ज्योति कहती है कि सपोज अगर मैं इसके आसपास नहीं रहूंगी और किसी से बात करने लग गई तो ये किसी ये कंफर्म करे कि ये बिना कुछ खाए ही इसको रहना पड़ेगा. Then just remember to say no first at least or twice or thrice before taking another step. ये नहीं कि बस एक बार ले लेना है, ये नहीं कि उसको दूसरी बार या तीसरी बार लेना है. For Ajay, this condition was harsh, but he promised. ये कंडीशन उसके लिए बहुत ही अजीब सी थी क्योंकि ये चीज उसके लिए फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल ही था. As they were going to the birthday party of Jyoti friend, she wanted Ajay to look smart. अब वो कहते हैं अगर हमें बर्थडे पार्टी में जाना है तो तुम्हें लुक स्मार्ट देखना पड़ेगा. She rated him but did not lose this opportunity to punish him as well. अब वो उसे रेडी करती है पर ये रेडी करने के चक्कर में वो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहती है. She pushed and pulled and pinched him as well while helping him get ready. वो उसको पिंच पुश सब कुछ करती है जब तक वो उसे रेडी करती है. अजय सफर ऑल वाइल्ड गेस्टर साइलेंटली बट ही कुड नॉट help but cry immediately when she ran the cam through who her hair see hard as she could. अब जो ज्योति होती है उसे पिंच करती है, पुश करती है, पुल करती है, पर जो अजय है साइलेंटली सफर करता है ये सारी चीजें और रोता है बस अपने ही मन ही मन और कुछ बोलता नहीं है. Do not cry if you want to go with me. Threatening Jyoti. अगर ज्योति कहती है तुम रो नहीं अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है. And finally with the डब्बे ऑफ पाउडर on his face, Ajay was ready. अब वो एक डब्बा पाउडर लेके आती है और अजय के फेस पे लगा देती है. Before they left, both mother and Jyoti warned Ajay to be a discipline. अब ज्योति चाहती है कि अजय जो है डिसिप्लिन में रहे. They made him promise that he would not take anything before him, refusing it at least thrice. कम से कम वो तीन बार तो कोई भी चीज नहीं लेगा. As the two walked towards this distinction, Jyoti kept reminding him of what he had promised. और वो उसे बार बार रिमाइंड करवाती है कि उसने क्या प्रॉमिस किया है उससे. When they entered the party hall, not many guests had arrived as yet. बहुत ज्यादा गेस्ट नहीं आते जब वो पार्टी में जाते हैं उस टाइम. There were a lot of empty chairs along the wall. बहुत सी empty chairs लगी होती. ज्योति pointed to a chair in the corner and said, "Go and sit there, and mind you do not move from there without my permission." ज्योति एक कॉर्नर में चेयर को पॉइंट करते हुए कहती है कि उस चेयर पर जाके बैठ जाओ और जब तक मैं परमिशन नहीं दूंगी आपको हिलना डुलना नहीं. With this instruction, Jyoti left to greet her friends and other friends. अब इस इंस्ट्रक्शन के साथ ज्योति अपने फ्रेंड के साथ चली जाती है. अजय सॉ दैट द पार्टी हॉल वॉज डेकोरेटेड tastefully, but he was not interested in the decoration. अब वो देखता है कि जो जो पार्टी हॉल है पूरा डेकोरेटेड है पर उसे डेकोरेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है. He loved eating, so he looked around. उसे खाना पसंद है सो वो देखता है. In the other corner, he could see the stalls beginning set up.
स्टॉल जो है सेट अप हुआ, ही लुक एट ईच ऑफ देम, वो देखता है सबको केयरफुली, चैट, चाउमीन, डोसा, आलू टिक्की एंड स्वीट्स टू वॉम। हिज माउथ गेज रिमाइंडेड फिक्स्ड एट द स्टॉल्स, ही आल्सो लुक्ड एट द सेंटर टेबल ऑन विच द बर्थडे केक वुड बी कट। उसका ध्यान पूरा खाने वाली चीज में, चाट, चाउमीन, डोसा, आलू टिक्की, इन सब स्वीट्स वगैरह में रहता है। वो बच्चों, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता है। उसका ध्यान बर्थडे केक पे होता है जो कि सेंटर पे रखा होता है। द टेबल इज अ लार्ज, द केक मस्ट बी अ लार्ज टू। टेबल बहुत बड़ा होता है, केक भी बहुत बड़ा होता है। He mumbled, thinking of all these goodies, his mouth watered as never before. Why are not these people hiring? I want to eat this. He mumbled, his words could have been avoidable to a person sitting near him, but there was none. अब वो बुनबुनाता हुआ सोचता है कि इतनी ढेर सारी चीजें रखी हुई है, उसके मुंह में पानी भी आता है, कभी लोग जल्दी जल्दी खाना शुरू करेंगे। आई वॉन्ट टू ईट, मुझे भी ये सब चीजें खानी है। ही मेम्बरेड हिज वर्ड, वो अपने में ही वो करता रहता है कि बगल वाला पर्सन सुन रहा, पर इत्तेफाक से उसकी बगल वाली कुर्सी जो है खाली रहती है। आई जस्ट सम हाउ वो कंट्रोल हिज वाटरिंग माउथ एंड कीप सिटिंग स्ट्रंग टू हिज सीट। अच्छा जो है कुछ देर तक शांत रहता है, उसके मुंह में पानी आते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे। बट ही फाउंड इट अनकंट्रोलेबल व्हेन ही सॉ द लार्ज ब्यूटीफुल डेकोरेटेबल डिलेटेबल केक बीइंग प्लेसेस ऑन द सेंटर टेबल। पर वो अपने आप को ज्यादा कंट्रोल तब नहीं कर पा रहा था जब ब्यूटीफुल केक डेकोरेटेड था, सेंटर टेबल पे रखा हुआ था। He glanced in his sister to see was a busy talking to her friend. वो बार बार अपनी सिस्टर को देख रहा था कि जो कि बिजी थी अपनी फ्रेंड के साथ बात करने में। And found her looking at him immediately. और देखता है कि वो बात करने में मशगूल है। Greatly the hall was full of guests. All the chair has been taken. अब कुछ ही देर में पूरा गेस्ट हॉल जो है पूरा फुल हो गया, एक भी चेयर खाली नहीं थी। And then the announcement came that the cake cutting ceremony was about to start. अब केक सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। All people gather around the table. Ajay looked to his sister for permission, who, with a negative gesture, signaled him to keep sitting where he was. अब वो अपनी बहन की तरफ देखता है कि उसकी बहन उसको सिग्नल दे, पर उसकी बहन उसको कोई सिग्नल देती नहीं देती है। वो कहती है बैठे रहो जहाँ पे तुम बैठे हो। Why do not they cut the cake immediately? अब वो मन ही मन सोचता है क्यों नहीं ये जल्दी से केक काटती है। अजय सेड टू हिमसेल्फ एज द गेस्ट कीप क्लैपिंग एंड सिंगिंग इन द चोरूस। अब जितने भी गेस्ट हैं वो सारे के सारे क्लैप कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं। एंड एट लॉन्ग लास्ट द केक वाज कट। फाइनली बहुत लंबे इंतजार के बाद जो केक है कट गया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? यस मैम अब आ रही है। यस मैम आ रही है।
यस मैम मैम आप नहीं आ रही है। आ रही है? यस मैम अब आ रही है। अभी तक जितना समझाया आ रही थी? यस मैम। ठीक है ओके डन। Now, why did not they cut? ये हो चुका है। अब उसकी आंखें जो बिग केक पे केक कट गया, बिग केक पे फिक्स्ड थी, बिग केक केक नाउ बीइंग कटिंग अब इनटू स्लाइसेस। अब जो बड़ा सा केक था धीरे धीरे स्लाइसेस में कट होगा। हैंड डन स्लाइसेस केप्ड ऑन द पेपर प्लेट्स स्टार्टेड टू बी अ पास्ट ऑन। अब जो केक का जो स्लाइस था वो कट के पेपर पे रखा गया और एक दूसरे के पास पास होना शुरू हो गया। Why I am sitting in the extreme corner? अब वो सोचता है कि मैं इतने कॉर्नर में क्यों बैठा हूँ। As I re-permitted himself, his mouth watered still more on seeing people gulping down the cake. अब उसके मुंह में अपने आप को परमिट करता है और क्या कहते हैं उसके मुंह में वाटर बहुत ज्यादा आता है। Will the cake ever reach me? He thought, क्या वो सोचता है क्या मेरे पास तक भी केक आ पाएगा। And then a lady emerged before Ajay with a plate full of slices. She said, have you some cake? अब एक लेडी आती है, वो अजय तक केक को पास करते हैं तो वो पूछती है, have you some cake? अजय extended his hand. अजय अपना हाथ आगे से पीछे खींचता है but threw it back immediately. वैसे ही वो पीछे खींच लेता। He looked for his sister, but she was faced the other way. वो अपनी सिस्टर को देखता है, पर वो फेस जो है दूसरी तरफ करके रखती है। But her friend was looking at him. पर जो उसकी फ्रेंड है वो उसकी तरफ देखती है। He remembered his promise. I must refuse thrice, but what if she move away? वो क्या उसकी प्रॉमिस को उसे याद रहता है, उसे याद रहता है कि उसे तीन बार नहीं खाना है। But what if she moves away? पर वो उस तरफ देख रही होती है। It was a critical question and then he found a solution. He almost shrinked. No. And with his, he gave it the largest slide he could lay his hand and gulped it immediately. अब उसने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से बड़ा सा पीस उठा करके इमिडिएटली से अपने गप कर गया। While the people around him laughed at this, he helped himself taking one more slice. अब इतना ही देखते लोग हंस पे हंस पड़ते। उसने जल्दी से एक और स्लाइड ली। He was about to take the cake for the third time. उस यहाँ तक कि उसने तीसरी बार भी केक ले लिया। When he saw that his sister was looking at him with strained eyes, जब तक वो देखता कि उसके सिस्टर उसकी तरफ गुस्से वाली आंखों से देख रही है, तब तक वो कप कर गया। अजय हार्ट शैंक फॉर अ वाइल, उस देर के लिए अजय का हार्ट जो है धड़क मतलब कि धड़क काफी डरा हुआ था। But when he saw Jyoti and her friend ब्रस्टिंग इन लाफर, वो दोनों हंसने में लगे हुए हैं, बिजी हैं, he felt easy. अब उसे अच्छा महसूस हुआ and helped himself with yet another slide. और उसने अब फिर से एक स्लाइड वो कर ली, तो मतलब तीन स्लाइड उसने पूरी कप कर ली। क्लियर? यस मैम। क्लियर? यस मैम। अगर किस चैप्टर में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चैप्टर में कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। मैम मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही।
आ जाएगी। मैम मेरी आवाज आ रही है आपको? सबकी आ रही है। मैम हम कह रहे हैं 17 चैप्टर में एक्सरसाइज हो चुकी, नहीं कराई है अभी आप? अभी नहीं करवाया है। आप इस चैप्टर के और उस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड्स और मेक द सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? यस मैम। और हाँ, सारे बच्चे अपना कंप्यूटर का मॉडल मॉडल और चार्ट पेपर जमा कर दीजिए, अदर मैम अदरवाइज मैम आपको 0 दे देंगी जितने भी हैं। आप लोग क्यों नहीं जमा कर देते हैं? अगर आज तक आपने जमा नहीं किया तो जमा कर दीजिए, अदरवाइज वो 0 दे देंगी। ठीक है, और आपका ये फाइनल का पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने पूरे मतलब सारे फाइनल के चैप्टर तक कंप्लीट करवा दिया है, बस 17 और 18 के आपके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, वो भी कंप्लीट करवा देते हैं हम। और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? मैम फाइनल में कहाँ तक आए? फाइनल में जो है आपका चैप्टर 10 to 18, चैप्टर 10 to 18 आपका फाइनल में आएगा। क्लियर? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताइएगा। चैप्टर 10 अननोन डेंजर और चैप्टर 18 द ग्रेटी गिल्टन। ओके मैम। ठीक है, और आप लोग कहाँ चले जाते हो रीडिंग के टाइम? तो आप लोगों का पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, एक एक को आवाज देते रहो, कोई रीडिंग फील करने के लिए तैयार नहीं रहता। इस क्लास से बहुत गंदा रिस्पांस मिलता है मुझे। सारे चैप्टर की रीडिंग मैं खुद करती हूँ और खुद ही पढ़ा करके खुद ही समझा के चले जाओ। आप लोगों का तो ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। अदर क्लासेस आपसे बेटर है, और खाली मेरी ही क्लास में नहीं, एटलीस्ट आप सारी क्लास में ऐसे कर रहे हो। सारे टीचरों का यही कंप्लेन है, बेटा आपको पढ़ना आपको है, रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा। और नहीं देते हो तो फिर दिक्कत आपको होगी। आप ठीक है, हमारा काम है, हम तो करवा देंगे, आपको चैप्टर भी कंप्लीट करवा देंगे, कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, पर करना तो आपको है ना, हमारे करवाने से क्या होता है। और लैंग्वेज में कितना बचा है आपका? लैंग्वेज में कितना बचा है? अनन्या कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चैप्टर में उसमें कितना बचा है आप लोगों का लैंग्वेज में करवाना? चलिए 18 चैप्टर तक हो चुका है। चैप्टर का नाम बताइए। चैप्टर का नाम बताइए बेटा। मैम एक मिनट बुक खोल ले। फ्राइडे को आपका टर्न होता है, तो हम लोग लैंग्वेज करेंगे और जल्दी से लैंग्वेज भी कंप्लीट करके जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। और आई होप कि अब आप लोग सबके सब रिस्पांस देंगे। हर्ष, साक्षी, आई होप कि आप लोग भी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम।
अब आप आपकी क्लास का टाइम भी ओवर होने वाला है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूं। हाँ बोलो फलक। हो चुका है और चैप्टर का नाम बोलो आपको करवाना है। ठीक है ठीक है, नाउ लीव द क्लास। ओके बाय बाय, टेक केयर। मैम बस एक चीज पूछना तो बताएंगी क्या? पूछिए। कि सिक्स चैप्टर का फोर्थ वाला आंसर बता दीजिए। किस चैप्टर का? 16। लिटरेचर में 16 चैप्टर। बेटा मैंने लास्ट वीडियो देखी है, आप लास्ट वीडियो में मैंने सारे 16 चैप्टर अच्छे से करवाया है और अच्छे से बताया है, और आप प्रेजेंट के आपको अच्छे तरह से बताया गया है। तो भी मैम YouTube पर वीडियो डली है, YouTube पे वीडियो डली हुई है, आप लोग जाइए वीडियो को देखिए पॉज करके अच्छे से। ठीक है ओके मैम। ओके बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम।